हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जो रोड एक्सीडेंट के क्लेम केसेस हैं उसके संबंध में पहले भी कई वीडियोस पोस्ट की हैं और मोटे तौर पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो MSEP की पिटीशन है वो कैसे फाइल की जाती है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो MSEP की पिटीशन है ये सेक्शन 166, 140 और 141 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत फाइल की जाती हैं MSET में, और उसके बाद जो रोड एक्सीडेंट के केस में क्लेम का निर्धारण होता है वो MSET के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या फॉर्मूला होता है जिसके तहत अमाउंट डिसाइड किया जाता है कि कितना कंपनसेशन का अमाउंट होना चाहिए और उसमें क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, कि ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं वो उसी वक्त नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम पिटीशन उसका निर्धारण कैसे होता है, क्लेम का अमाउंट कैसे फिक्स किया जाता है, उसमें क्या फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि MSET के केस में उसका जो सेटल्ड लॉ है वो क्या है, यानी कि क्या चीज़ प्रूव होनी चाहिए कि क्लेम पास होगा। जैसा MSET इज़ रिक्वायर्ड इन लॉ टू गिव इट्स फाइंडिंग्स ऑन प्रोबेबिलिटीज़, जो MSEP का क्लेम का जो केस होता है वो प्रोबेबिलिटी पर निर्धारित किया जाता है, यानी कि संभावनाओं पर निर्धारित होता है वो, एंड नॉट इन प्रूविंग द ऑफेंस बियॉन्ड शेडो ऑफ रीजनेबल डाउट एज डन बाय ए क्रिमिनल कोर्ट। और ऐसा नहीं होता, जैसे हम क्रिमिनल कोर्ट में केस फाइल करते हैं 279, 337, 338, 304 ए का, तो उसमें सभी चीज़ें बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट प्रूव होती हैं तभी आरोपी को सजा मिलती है। लेकिन जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल हैं वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ रीजनेबल डाउट वो प्रूव करनी पड़े, क्योंकि ये फाइंडिंग्स होती हैं ये प्रोबेबिलिटी पर आधारित होती हैं। और दोस्तों, दूसरा क्या है कि जो इसमें ट्रायल बिफोर MSET के सामने जो हम फाइल करते हैं केस वो समरी नेचर का होता है, यानी कि बहुत जल्दी वो डिस्पोज कर दिया जाता है, एंड देयरफॉर कंप्लेनेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सच एविडेंस। इसलिए जो दावेदार हैं कंप्लेनेंट हैं उनको ऐसा कोई जो एविडेंस है MSET के सामने देने की ज़रूरत नहीं होती कि जो हैविंग द इफेक्ट ऑफ प्रूविंग एक्ट ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जो बिल्कुल पक्के तौर पे ये तय करे कि जो रैश और नेग्लिजेंट की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तो MSET में ऐसा प्रावधान नहीं है। वहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो फैक्टर्स होते हैं जब MSET का क्लेम पास होता है उससे पहले क्या क्या चीज़ें कंसिडरेशन में लाती हैं जिससे जिसके बेसिस पे क्लेम का निर्धारण होता है। सबसे पहले इनकम ऑफ जो इनकम है, जो डिसीज्ड है, मान लो किसी की मृत्यु हो गई या किसी की डिसेबिलिटी हो गई, परमानेंट डिसेबिलिटी होगी या पार्शियल डिसेबिलिटी होगी, सबसे पहले वो मंथली इनकम उसकी क्या थी। ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आदमी कमाता कितना था पर मंथ एक्सीडेंट से पहले, नंबर एक। नंबर दो, जो उसका डॉक्यूमेंट, उसका जो प्रूफ ऑफ एज, यानी कि उस आदमी की एज क्या थी जिसकी या तो एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और या वो पार्शली जो है या फुली जो डिसेबल हो गया है। तो दोस्तों, ये एज का फैक्टर है और इनकम का फैक्टर है,
ये जो लोग जॉब में काम करते हैं या कोई जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पर ये दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जहाँ पर मान लो कोई गांव का व्यक्ति है जिसका जो डेट ऑफ बर्थ जो सही नहीं है, जो संभावनाओं के आधार पर जो है लिखवा दिया जाता था, तो वहाँ पर यह दिक्कत आती है। और वहाँ पर व्यक्ति कितना कमाता है, मान लो एग्रीकल्चरिस्ट है, तो एग्रीकल्चरिस्ट अगर है, किसान खेती करता है, तो वहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी पड़ती है तो कि इसके पास ज़मीन कितनी है जो खेती करता है, और ज़मीन अगर दिखानी है तो उसके लिए जमाबंदी कितनी जो है, म्यूटेशन उसके नाम प्रॉपर्टी है, जिससे उसकी इनकम का पता लगाया जा सके। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ है नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है या डिसेबल हुआ है उस व्यक्ति के नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स कितने हैं, यानी कि जो उस पर आश्रित है केवल, पत्नी के अलावा अगर बच्चे बालिग नाबालिग हैं तो वो कितने हैं जो उस पर आश्रित हैं। और इसमें दोस्तों एक ये फैक्टर भी है कि वो अपने ऊपर कितना पैसा खर्च करता था, यानी कि मंथ में अगर मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे 10,000 रुपये कोई व्यक्ति कमा रहा है तो 5,000 रुपये वो अपने ऊपर भी इस्तेमाल करता है और 5,000 रुपये उसकी इनकम है दिखाई जाएगी, एंड एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। और उस व्यक्ति के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होते अगर वो एक्सीडेंट में डिसेबल ना होता या एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु ना होती, तो ऐसे में दोस्तों फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखा जाता है कि ये व्यक्ति अगर ज़िंदा होता तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद इतना पैसा कमा सकता था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजेश एंड अदर्स वर्सेस राजवीर सिंह एंड अदर्स 2013 के केस में एन अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ मंथली अर्निंग्स, यानी कि जो मंथली अर्निंग्स का 15% है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उसको ऐड किया ऑन अकाउंट ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि हर महीने 15% बढ़ी हुई अर्निंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के तौर पे उसमें जोड़ी जाती है। एंड अगर इनकम प्रूव नहीं होती, मान लो किसी व्यक्ति की वो एग्रीकल्चरिस्ट है या कोई और काम करता है जहाँ पर इनकम का कोई प्रूफ नहीं है, तो तब जो है उसको डेली वेजर के हिसाब से उसके कंपनसेशन का निर्धारण होगा, जो डीसी रेट होता है डेली वेज का उसके हिसाब से उसकी इनकम फिक्स होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि मान लो अगर बेसिक मंथली इनकम है डेली वेजर के हिसाब से, मैं बता रहा हूं आपको जहां पर इनकम और का प्रूफ नहीं है उस केस में, और व्यक्ति की जो मरने वाले की उम्र है मान लो 60 ईयर्स, तो उसका जो बेसिक मंथली इनकम होगी 10,200 रुपये होगी, उसमें से 15% फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के ऐड किए जाएंगे, ये राशि होगी 1530 रुपये पर मंथ, टोटल हुआ 11,730। 11,730 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एनुअल इनकम बनेगी फिर ये 1,40,760 रुपये। और डिपेंडेंसी, एनुअल डिपेंडेंसी की वो व्यक्ति अपने ऊपर कितना खर्च करता था, तो इसमें जो इसका हाफ है 50% वो एनुअल डिपेंडेंसी में आता है, तो ये राशि बनी उसमें 50% हाफ काट के 70,380 रुपये। अब मल्टीप्लायर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और मल्टीप्लायर जब अप्लाई होता है तो वो एज के हिसाब से अप्लाई होता है, जो यंग एज में कोई मान लो डिसीज्ड है या डिसेबल है वहाँ पर जो मल्टीप्लायर है वो बहुत हाई लेवल का होता है, अब 20 हो सकता है, 25 हो सकता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी जैसे कोई 60 साल का व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा गया है तो वहाँ पर मल्टीप्लायर कम होता है, जैसे मान लो इस केस में 9% का 9 का मल्टीप्लायर अप्लाई किया गया है, तो ये 70,380 × 9 मल्टीप्लायर को इससे जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अमाउंट बना 6,33,420 रुपये। फिर इसमें बात आती है कुछ और जो है इनकम, इसमें जो है कंपनसेशन में जुड़ता है,
जैसे लॉस ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड कंसोर्टियम, जिस घर का आदमी चला जाता है, जिसकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, तो उसकी पत्नी बच्चे उसको याद करते हैं, उन्होंने अपना प्यार खो दिया है उस व्यक्ति के रूप में, और फिर वो व्यक्ति दोबारा जीवन में लौट कर नहीं आता है, तो उस एवज में लॉस ऑफ लव अफेक्शन एंड कंसोर्टियम का पैसा दिया जाता है। ये मान लो डिपेंडेंस पे डिपेंड करता है, कितने डिपेंडेंट हैं जो उस व्यक्ति पर डिपेंड करते थे, तो उस हिसाब से मान लो सपोज इस केस में जो अमाउंट है वो 2.5 लाख रुपए, इसमें मान लो 4 बच्चे हैं तो वो 2.5 लाख रुपए बन गया, पत्नी है साथ में, और इसके अलावा फ्यूनरल एक्सपेंसेस कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी अंत्येष्टि पे कितना खर्च हुआ, और जो है उसके लिए मान लो 25,000 रुपये उसमें भी दिए जाते हैं। और ये जो अमाउंट है ये वेरी करता है केस टू केस, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है हर केस में जो यही लागू होगा, ये अलग अलग केसेस में एक अलग अलग इसकी थ्योरी इस्तेमाल होती है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये MSAP का क्लेम समझने के लिए ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो व्यक्ति को लाया गया डिसीज्ड को हॉस्पिटल गए तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आने जाने का, वो भी मान लीजिए कि 10,000 रुपये दे दिया और ये टोटल अमाउंट बन गया 9,18,420 रुपये। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है आपको समझाने के लिए, मैं फिर कहता हूँ कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये केस टू केस अलग अलग केस के सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, लेकिन मोटे तौर पर ब्रॉडली यही पैरामीटर्स रखे जाते हैं कि जो है कंसोर्टियम में कितना देना है, फ्यूनरल में कितना देना है, ट्रांसपोर्टेशन का हेड बना हुआ है, तो ये टोटल अमाउंट बना 9,18,420 रुपये। और अब कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है वो केस के हिसाब से वो किसको कितना देना चाहती है, यानी कि मान लो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो डिपेंडेंट हैं तो तब बराबर बराबर हिस्सा उनको सबको मिलता है, लेकिन अगर बच्चे कमा रहे हैं और अलग सेटल्ड हैं या 18 साल से ऊपर हैं तो तब जो है बराबर हिस्सा नहीं बनाया जाता, उसमें जो पत्नी है उनको मुख्य तौर पे उसका बेनिफिशियरी बनाया जाता है, और जो बाकी क्लेमेंट्स हैं यानी कि जो बच्चे हैं उनको भी कोर्ट अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से उनको ये जो अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दोस्तों मोटे तौर पे मैंने आपको बताया कि क्लेम की पिटीशन कैसे निर्धारित होती है, उसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मल्टीप्लायर कैसे लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।